हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को कोविड वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट उनके बच्चे के ऊपर या फिर महिला के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ये वैक्सीन लेना। तो अब बात आती है कि जो महिलाएं फीड करा रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, तो उनके लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा, या फिर उनके बच्चे के लिए जो दूध पी रहा है उसके लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा? तो बिल्कुल भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नहीं देखे गए हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी लगा रही हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके ऊपर भी नहीं और आपके बच्चे के ऊपर भी नहीं। तो ज़रूर इसे लगाइए। बल्कि जो महिलाएं ऐसी एरिया में रह रही हैं जहाँ पे कि ज़्यादा इस वायरस का ख़तरा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस इलाके पे, तो उन लड़कियों को तो ज़रूर लगा लेना चाहिए। और बाकी सभी लेडीज जो कि सोच रही हैं वैक्सीन लगाने की और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो ना हो जाए, या फिर बच्चे को या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आपके लिए फ़ायदा ही होगा। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर आपको वायरस चपेट ले तो इससे आपको, आपके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, आपसे आपके बच्चे को भी फैल सकता है। तो बिल्कुल भी अफवाहों में मत आइए कि कहीं पे लोग कह रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लगाना चाहिए। तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है ये, तो ज़रूर इसे लगाइए और आप वायरस से अपने आप को और अपने बच्चे को भी बचाइए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा, और कोई सवाल है, कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।